नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, झारखंड में ANM और GNM का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है उसके प्रिपरेशन से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग जो चैप्टर देखेंगे आज ये होगा जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। कौन सी प्रक्रिया एक कोशिकीय जीवों में नए जीव निर्माण करती है? विच प्रोसेस लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म? तो ऑप्शन ए में हो गया मुकुलन यानी बडिंग, ऑप्शन बी में हो गया निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन, और ऑप्शन सी में हो गया द्विखंडन यानी बाइनरी फिजन, या फिर ऑप्शन डी में हो गया खंडन यानी फ्रेगमेंटेशन। तो दोस्तों, यहाँ पे इसका जो सही जवाब है ये है द्विखंडन बाइनरी फिशन। तो लगभग जो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वे नए जीव का निर्माण कैसे करते हैं? द्विखंडन से, बाइनरी फिशन से। दोस्तों, यहाँ पे जो मुकुलन है, मुकुलन किस में पाया जाता है? हाइड्रा में पाया जाता है। देखिए, निषेचन जो होता है, निषेचन में मेल और फीमेल गैमेट यानी जर्म सेल की ज़रूरत पड़ती है। द्विखंडन बाइनरी फिशन किस में होता है? अमीबा में होता है। फ्रेगमेंटेशन किस में होता है? ये स्पायरोगायरा में होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, किस जीव में द्विखंडन एक निश्चित अभिविन्यास में होता है? इन विच ऑर्गेनिज्म डज बाइनरी फिजन ऑकर इन ए डिफिनेट ओरिएंटेशन? तो ऑप्शन ए में हो गया अमीबा, या फिर ऑप्शन बी में हो गया लेस्मेनिया, या फिर ऑप्शन सी में हो गया प्लाज्मोडियम, या फिर ऑप्शन डी में हो गया खमीर यानी एज्ड। दोस्तों, इसका जो सही जवाब है ये हो गया आपका लिस्मेनिया। देखिए, ये जो लिस्मेनिया है इसमें जो द्विखंडन होता है ये एक निश्चित तल पर होता है, मतलब निश्चित तल पे होता है, इसका डिफाइन होता है कि ये कहाँ पे डिवाइड करेगी, ठीक है। और जो अमीबा होता है, देखिए अमीबा भी द्विखंडन करता है, लेकिन अमीबा का जो डिवाइड होने का जो तल है किस ओरिएंटेशन में वो डिवाइड होगा ये मतलब यहाँ पे निश्चित नहीं होता। अमीबा किसी भी तल से बाइनरी फिशन कर सकता है, ठीक है। तो चलिए, उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो यहाँ यहाँ पे जो फिगर है, देखिए ये वाला फिगर, ये लेस्मेनिया का है। तो देखिए, ये एक डिफिनिट जो ओरिएंटेशन है उसी में वो क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे उसके बाद देखिए जो आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कौन सा जीव बहुविखंडन द्वारा एक साथ कई संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है? विच ऑर्गेनिजम्स डिवाइड्स इंटू मैनी डॉटर सेल्स सिमुलेटनेसली बाई मल्टीपल फिजन? तो दोस्तों, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है अमीबा, उसके बाद ऑप्शन बी में हो गया लेस्मेनिया, या फिर ऑप्शन सी में हो गया प्लाज्मोडियम, या फिर ऑप्शन डी में हो गया खमीर यानी ईस्ट। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है कि एक साथ कई संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है ये कौन सा जीव है, ये है आपका प्लास्मोडियम। और प्लास्मोडियम क्या है? प्लास्मोडियम मलेरिया का एक क्या है, परजीवी है। दोस्तों, उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है, देखिए ईस्ट में वह कौन सी प्रक्रिया होती है जिसमें छोटी छोटी कलियां अलग होकर विकसित होती है? तो बोल रहा है देखिए, इन ईस्ट व्हाट इज द प्रोसेस इन विच स्मॉल बर्ड्स सेपरेट एंड ग्रो फर्दर कॉल्ड? तो ऑप्शन ए में हो गया निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन, या फिर ऑप्शन बी में हो गया विखंडन यानी फ्रेगमेंटेशन। खंडन होता है, विखंडन नहीं होता है, खंडन होता है, फ्रेगमेंटेशन। बहुखंडन हो गया आपका मल्टीपल फिजन, और उसके बाद फिर हो गया मुकुलन, इसका हो गया बडिंग। तो दोस्तों देखिए, इसका जो सही जवाब है कि जो ईस्ट जो होता है, छोटी छोटी कलियां जो विकसित करती हैं और उसी से एक नया जीव क्या होता है, बनता है। तो ये किस में होता है? ये होता है मुकुलन में। अब मुकुलन में होता क्या है, एक छोटा सा पहले उभार विकसित होता है और वही उभार क्या होता है, एक नए जीव का निर्माण करती है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चलिए उसको देखते हैं। स्पायरोगायरा प्रजनन करता है, तो देखिए स्पायरोगायरा रिप्रोड्यूस बाय, तो ऑप्शन ए में हो गया द्विखंडन यानी बाइनरी फिजन,
या फिर ऑप्शन बी में हो गया बडिंग, या फिर ऑप्शन सी में हो गया खंडन यानी फ्रैगमेंटेशन, या फिर ऑप्शन डी में हो गया बीजाणु समासंग यानी स्पोर फॉर्मेशन। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इसका जो सही जवाब है ये है आपका खंडन यानी फ्रेगमेंटेशन। स्पायरोगायरा प्रजनन कैसे करता है? फ्रेगमेंटेशन से करता है। और देखिए ये जो फ्रेगमेंटेशन होता है इसमें क्या होता है कि ये जो स्पायरोगायरा होता है, स्पायरोगायरा देखिए विकसित हो गया, और विकसित होने के बाद ये क्या होता है छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होता है खंडित हो जाता है, और यही जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ये क्या बनाते हैं एक नया जीव बनाते हैं। देखिए बीजाणु समासंग जो स्पोर जो फॉर्मेशन होता है, स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है? राइजोपस में होता है। तो इसके बारे में भी और एक क्वेश्चन है राइजोपस के बारे में। तो उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, तो देखिए स्पायरोगायरा प्रजनन कैसे करता है? तो ये आपका खंडन के द्वारा करता है यानी फ्रेगमेंटेशन के द्वारा करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका, किन जीवों में कई टुकड़ों में काटने कई टुकड़ों में कटने या टूटने पर पुनः उत्पन्न होने की क्षमता होती है? विच ऑर्गेनिजम्स हैव द एबिलिटी टू रीजनरेट व्हेन कट और ब्रोकन इनटू मल्टीपल पीसेस? तो ऑप्शन ए में हो गया बैक्टीरिया यानी जीवाणु, या फिर ऑप्शन बी में हो गया प्रोटोजोआ, या फिर ऑप्शन सी में हो गया प्लेनेरिया, या फिर ऑप्शन डी में हो गया खमीर यानी ईस्ट। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है ये है आपका प्लेनेरिया। देखिए प्लेनेरिया को आप अगर टुकड़ों में काट देंगे तो फिर क्या होगा, वो रीजेनरेट होके फिर से क्या होगा एक जीव बन जाएगा, एक संपूर्ण जीव में विकसित हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है देखिए कि पुनरुद्भवन जो होता है ऊतक और अंग की क्या है एक प्रक्रिया है? रीजनरेशन इज ए प्रोसेस ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन। क्या होता है इसमें रीजनरेशन में, वृद्धि होता है या फिर मरम्मत होता है यानी रिपेयर होता है, या फिर ऑप्शन सी में हो गया विभाजन होता है, या फिर ऑप्शन डी में हो गया फ्यूजन होता है? तो दोस्तों देखिए इसका जो सही जवाब है रीजनरेशन जो होता है, देखिए आपका जो प्लेनेरिया में जैसे क्या होता है रीजनरेशन होता है, यहाँ पे प्लेनेरिया में क्या हो रहा है रीजनरेशन हो रहा है। तो ये जो रीजनरेशन है ये क्या है, ये एक मरम्मत का टाइप है, रिपेयर का टाइप है। देखिए एक्चुअली में मतलब इसको हम लोग रिप्रोड्यूस होने को मतलब जनन करने को या प्रजनन करने को हम लोग प्लेनेरिया को नहीं बोल सकते हैं एग्जैक्टली। कैसे कि देखिए एक ये जो पुराना जीव है ठीक है, इसको आप यहाँ से काटे यहाँ से काटे तो देखिए ये एक संपूर्ण जीव में विकसित हो रहा है, लेकिन ये जो पुराने वाले जीव है सबसे पहले वाला जो जीव है उसका भी कुछ पार्ट इसमें है। तो देखिए ये एक नया जीव नहीं है, ये क्या हो गया अपने आप को क्या किया पूर्ण रूप से विकसित किया। तो इसीलिए इसको जो रीजनरेशन होता है जो पुनरुद्भवन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये रिपेयर होने का एक क्या है प्रक्रिया है, ये किसके लिए टिश्यू और ऑर्गन्स के लिए। हालांकि जो प्लेनेरिया है उसमें जो प्रजनन होता है जनन जो होता है वो कैसे होता है, वो रीजनरेशन के थ्रू ही होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ये क्या है कि कौन सा जीव प्रजनन के रूप में मुकुलन का उपयोग करता है? विच ऑर्गेनिज्म यूज बडिंग एज ए फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन? तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन ए में हो गया अमीबा, या फिर ऑप्शन बी में हो गया हाइड्रा, या फिर ऑप्शन सी में हो गया प्लेनेरिया, या फिर ऑप्शन डी में हो गया स्पायरोगायरा। तो दोस्तों अमीबा हम लोग जानते हैं ये द्विखंडन करता है, बाइनरी फ्यूजन करता है। उसके बाद जो प्लेनेरिया है ये क्या करता है रीजनरेशन करता है, स्पायरोगायरा क्या करता है फ्रेगमेंटेशन करता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका सही जवाब है ये क्या है, ये है हाइड्रा। तो देखिए मुकुलन जो होता है वो किस में होता है, मुकुलन होता है आपका हाइड्रा में। दोस्तों उसके बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या पूछ रहा है कि कायिक प्रवर्धन प्रजनन की एक विधि है जो पाई जाती है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन। ऑप्शन ए में हो गया जानवर यानी एनिमल्स, या फिर ऑप्शन बी में हो गया कवक यानी फंगी, या फिर ऑप्शन सी में हो गया जीवाणु यानी बैक्टीरिया, या फिर ऑप्शन डी में हो गया पौधे यानी प्लांट्स। तो देखिए ये जो आपका कायिक प्रवर्धन होता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है ये किस में होता है, ये प्लांट्स में होता है।
और देखिए वेजिटेटिव प्रोपागेशन में होता क्या है, ये पौधे का जड़ तना या फिर पत्ती का किसी भी स्थल से क्या होता है, एक उपयुक्त उपयुक्त परिस्थिति में क्या होता है, ये विकसित होकर एक नया क्या बनाता है, पौधा बनाता है। तो यहाँ पे जो पत्ती आपको दिखाई दे रही है ये ब्रायोफिलम की पत्ती है, जिसमें कि ये पत्ती के किनारे किनारे मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक छोटा सा पौधा जैसे निकलता है और फिर वो क्या होता है, वो एक पौधे में विकसित हो जाता है पत्ती से। ब्रायोफिलम का ये पत्ती है। तो अगर क्वेश्चन आपको आए ब्रायोफिलम को लेके कि ब्रायोफिलम की पत्ती में क्या होता है, तो ये उसमें कायिक प्रवर्धन होता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है। और देखिए जो प्रवर्धन करते हैं हम लोग या फिर कलम जो करते हैं, लेयरिंग या फिर ग्राफ्टिंग जो करते हैं, वो भी वेजिटेटिव प्रोपागेशन का ही टाइप है। ठीक है, तो जैसे हम लोग गन्ना में करते हैं या फिर गुलाब में करते हैं, तो इसमें जो कलम करते हैं ये भी क्या है, ग्राफ्टिंग भी जो क्या है वो एक वेजिटेटिव प्रोपागेशन का प्रकार है। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि ब्रेड मॉल्ड के बीजाणु धानियों में क्या होता है, व्हाट डू स्पोरेंजिया ऑफ ब्रेड मॉल्ड कंटेन। ऑप्शन ए में हो गया हाइफी, या फिर ऑप्शन बी में हो गया स्पोर्स यानी बीजाणु, या फिर ऑप्शन सी में हो गया स्टेम सेल, या फिर ऑप्शन डी में हो गया तंत्रिका कोशिका। तो देखिए जो ब्रेड माउल्ड होते हैं इसके जो स्पोरेंजिया होते हैं इसमें क्या होते हैं, इसमें बीजाणु होते हैं, इसमें क्या होते हैं बीजाणु होते हैं यानी स्पोर होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बी है ये आपका सही है कि ब्रेड माउल्ड जो राइजोपस है, ब्रेड माउल्ड का मतलब राइजोपस का दूसरा नाम क्या है, ब्रेड माउल्ड कॉमनली हम लोग बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसके स्पोरेंजिया में इसके बीजाणु धानियों में क्या होता है, बीजाणु होता है, स्पोर्स होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के संयोजन की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है, द प्रोसेस ऑफ कॉम्बाइनिंग द मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म ए जायगोट इज नोन एज। तो ऑप्शन ए में हो गया निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन, या फिर ऑप्शन बी में हो गया अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस, या फिर ऑप्शन सी में हो गया समसूत्री विभाजन सूत्री विभाजन मीटोसिस, यहाँ पे ऑप्शन बी में हो गया मुकुलन यानी बडिंग। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है कि देखिए युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के जो संयोजन होते हैं इस प्रक्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे क्या होता है, मेल और फीमेल क्या होता है, गैमेट क्या करते हैं, संयोजन करते हैं, कंबाइन होते हैं, तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे जायगोट बनता है। और इसको क्या बोलते हैं इस प्रक्रिया को, इसको निषेचन बोलते हैं। देखिए जो आपका अर्धसूत्री विभाजन होता है मियोसिस, इसमें क्या होता है, इसके द्वारा हम लोगों का जो जर्म सेल है वो जेनरेट होता है, और इसमें क्या होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो आधे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो एग्स होते हैं या फिर जो स्पर्म होते हैं इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, हाफ होता है। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे मीटोसिस जो हो गया, मीटोसिस में क्या होता है सेम आइडेंटिकल क्या होते हैं जीनोम होते हैं, और इसमें क्रोमोसोम की संख्या जितनी इसके पेरेंट सेल में है उतने भी क्या होते हैं फिलियल सेल में होते हैं। तो चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे मुकुलन जो बडिंग होता है ये तो जानते हैं हाइड्रा में होता है। तो यहाँ पे जो सही जवाब है कि नर और मादा युग्मक जो संयोजन करते हैं इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन बोलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि पुष्प का कौन सा भाग परागकणों के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग पोलन ग्रेन। तो ऑप्शन ए में हो गया बाह्य दल यानी सेपल, या फिर ऑप्शन बी में हो गया पंखुड़ी यानी पेटल्स, या फिर ऑप्शन सी में हो गया पुंकेसर यानी स्टेमन, या फिर ऑप्शन डी में हो गया स्त्री केसर यानी पिस्टल्स। तो दोस्तों यहाँ पे जब आप देखेंगे फिगर को तो यहाँ पे आपको पता चलेगा ये जो पुंकेसर होता है इसमें क्या क्या होता है, ये मेल होता है, पुंकेसर मेल हो गया और स्त्री केसर फीमेल हो गया। पुंकेसर को स्टैमन बोलेंगे, ठीक है, और इस स्त्री केसर को क्या बोलेंगे, स्त्री केसर को बोलेंगे पिस्टिल। तो देखिए यहाँ पे जो फीमेल मेल वाला पार्ट है, मेल वाला पार्ट में क्या होता है परागकोष होता है, एंथर होता है, और इसी एंथर में क्या होता है, ये जो एंथर है इसमें क्या होता है परागकण होते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है कि पराग कणों के निर्माण के लिए उत्तरदायी कौन होता है। ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ है, पुंकेसर यानी स्टेमन। तो यहाँ पे ये पुंकेसर आपका सही जवाब होगा। अगर यहाँ पे एंथर दिया हुआ रहता यानी पराकोष दिया हुआ रहता तो यहाँ पे हम लोग पराकोष सेलेक्ट करते हैं, लेकिन पुंकेसर है तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, स्टेमन को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछ रहा है कि पुष्प का मादा जनन अंग कहलाता है। ऑप्शन ए में हो गया बाह्य दल, या फिर ऑप्शन बी में हो गया पंखुड़ी यानी पेटल, या फिर ऑप्शन सी में हो गया पुंकेसर यानी स्टेमन, या फिर ऑप्शन डी में हो गया स्त्री केसर यानी पिस्टिल। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है ये है स्त्री केसर, पिस्टिल। मादा जनन जो अंग होता है, देखिए स्त्री केसर होता है, इसमें क्या होता है, एक वर्तिकाग्र होता है जिसको हम लोग स्टिग्मा बोलते हैं, उसके वर्तिका होता है जिसको हम लोग स्टाइल बोलते हैं, उसके बाद देखिए ये जो आपका अंडाशय हो गया इसको हम लोग बोलते हैं ओवरी। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है 14 नंबर का क्वेश्चन, इसमें क्या पूछ रहा है कि पुष्प में वर्तिकाग्र की भूमिका क्या होती है। तो देखिए ये जो वर्तिकाग्र होती है इसका भूमिका क्या होता है यहाँ पे जो स्टिग्मा है। तो देखिए यहाँ पे व्हाट इज द रोल ऑफ द स्टिग्मा इन द फ्लावर। तो ऑप्शन ए में हो गया बीजांड का निर्माण करना। बीजांड का निर्माण करता है क्या, ये नहीं करता है, ये कौन करता है, ये तो ओवरी करता है, प्रोड्यूसिंग ओव्यूल्स। उसके बाद ऑप्शन बी में हो गया पराग को अंडाशय में स्थानांतरित करना, ट्रांसफरिंग पोलन टू द ओवरी, या फिर ऑप्शन सी में हो गया फूलों को कीड़ों से बचाना, ये फूल को कीड़ों से बचाते हैं क्या, तो वर्तिका फूल को कीड़े से नहीं बचाते हैं। उसके बाद ऑप्शन डी में हो गया परागकणों को आकर्षित करना, अट्रैक्टिंग पोलिनेटर्स। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका सही जवाब है ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है, पराग को अंडाशय में स्थानांतरित करना, ट्रांसफरिंग पोलन टू द ओवरी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, वर्तिकाग्र क्या करता है, ये जो एंथर से पोलन ग्रेन निकलता है इसको क्या करता है, ट्रांसफर करता है, कहाँ पे ट्रांसफर करता है, ओवरी में कर देता है। ठीक है, तो चलिए उसके बाद जो आपका नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछ रहा है कि किस प्रक्रिया में पराग का एक फूल से दूसरे फूल में स्थानांतरण होता है। विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर। ऑप्शन ए में हो गया स्वपरागण यानी सेल्फ पोलिनेशन, या फिर ऑप्शन बी में हो गया अंकुरण यानी जर्मिनेशन में, या फिर ऑप्शन सी में हो गया पर परागण क्रॉस पोलिनेशन, या फिर ऑप्शन डी में हो गया निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन में। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है ये हो गया आपका क्रॉस पोलिनेशन में। तो क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है, एक फूल का जो पराग होता है वो क्या होता है, दूसरे फूल में स्थानांतरित होता है। ये चिड़िया के जरिए होता है, हवा के जरिए होता है, तो कीटों के जरिए होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर जैसे यहाँ पे जो फूल दिया गया है, देखिए यहाँ पे जो आपका एक फूल दिया गया है, तो यहाँ पे अगर क्या होता है कि देखिए जैसे अगर ये एंथर है परागकोष है, यहाँ से पोलन ग्रेन निकल के इसके वर्तिकाग्र में जाता है, स्टिग्मा में जाता है, और उसके बाद फिर इसी के क्या होते हैं ओवरी में अंडाशय में जाके फर्टिलाइजेशन करता है। तो यहाँ पे अगर इस तरीके का प्रोसेस होता है, एक ही फूल में ये हो रहा है सब कुछ, तो इसको हम लोग सेल्फ पोलिनेशन बोलेंगे। ठीक है, और अगर इसमें क्या होता कि इसके एंथर निकल के दूसरे फूल में जाते और दूसरे फूल के वर्तिकाग्र में जाते और फिर उसके थ्रू अंडाशय में जाते, ओवरी में जाते और फिर वहां पे निषेचन होता, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस पोलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किस प्रक्रिया में पराग का एक फूल से दूसरे फूल में स्थानांतरण होता है, तो ये होता है क्रॉस पोलिनेशन में, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद जो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वह संरचना क्या है जो निषेचन के बाद अंडाशय से विकसित होती है और जिसमें बीज होते हैं। व्हाट इज द स्ट्रक्चर दैट डेवलप्स फ्रॉम द ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड कंटेन्स द सीड्स। तो ऑप्शन ए में हो गया पंखुड़ी यानी पेटल, या फिर ऑप्शन बी में हो गया वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा, या फिर ऑप्शन सी में हो गया बीजांड यानी ओव्यूल, या फिर ऑप्शन डी में हो गया फ्रूट यानी फल। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है ये हो गया आपका फल यानी फ्रूट। देखिए निषेचन के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जो अंडाशय होता है ओवरी जो होता है, ये जो देखिए अंडाशय जो होता है निषेचन के बाद, ये अंडाशय क्या बनाता है, ये अंडाशय निषेचन के बाद विकसित होकर फल बनाता है और जिसमें क्या होता है, बीज होता है। ठीक है,
तो दोस्तों यहाँ पे उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।